हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कंचन और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट 5 सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर इन द मार्केट। जितने भी सेटिंग स्प्रे मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मच प्रूफ बना देगा। सारे सेटिंग स्प्रे के रिव्यू के साथ साथ मैं डेमो भी शेयर करूंगी, तो आपके लिए बहुत आसान होगा अपने लिए परफेक्ट सेटिंग स्प्रे चूज करना। अगर आप मेकअप करना पसंद करते हैं और मेकअप करने का शौक रखते हैं ना, तो आपके मेकअप किट में एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जितने भी अच्छे क्वालिटी का मेकअप प्रोडक्ट यूज क्यों नहीं कर लेते, जब तक अपने मेकअप के बेस को सेट नहीं कर लेते, उसे लॉक नहीं कर लेते ना, तब तक 60% चांस होता है कि आपका जो मेकअप है वो स्मच हो जाएगा, आपको वो फ्लॉलेस फिनिशिंग नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। आपने अगर सेटिंग्स पे यूज़ नहीं किया है और आपने शुरू कर दिया यूज़ करना ना, तो आप डिफरेंस खुद ही देख सकेंगे कि आपका मेकअप का गेम ही चेंज हो जाएगा और आप मेकअप करना और भी पसंद करने लगेंगे, क्योंकि आप डिफरेंस देख सकेंगे, क्योंकि आपको वो फ्लॉलेस फिनिशिंग मिलेगी जो बिना सेटिंग्स पे के आपको कभी नहीं मिल सकती। सेटिंग स्प्रे को अपने मेकअप किट में ऐड करने के पहले हमें इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें मेकअप फिक्सर की ज़रूरत क्यों होती है। पहला, ये तो ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है, हमारे मेकअप को स्मच प्रूफ बना देता है, क्योंकि हम मेकअप कर तो लेते हैं, जब तक हम उसे अपने फेस पर फिक्स नहीं करें, सेट नहीं करें, लॉक नहीं करें ना, तब तक ये लंबे टाइम तक हमारे स्किन पर एज इट इज़ बना नहीं रहता है। तो ये ज़रूरी होता है कि एक लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए अच्छा सेटिंग स्प्रे हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है ना कि हमारे फेस पर मेकअप को ना मेल्ट कर देता है, लाइक हमारी ओन स्किन, क्योंकि हम जब मेकअप करते हैं तो मेकअप के बहुत लेयर हम अपने चेहरे पर लगाते हैं, लाइक कंसीलर, लाइक फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, तो हमारा जो फेस होता है ना बहुत ही अननेचुरल एंड पाउडरी सा लगने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ना जब हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं तो ये हमारे फेस पर ना हमारे मेकअप को मेल्ट कर देता है, तो बहुत ही नेचुरल एंड ग्लोइंग फिनिशिंग आती है, तो हमारा फेस बिल्कुल भी पाउडरी एंड अननेचुरल नहीं लगता है। तो जो इसलिए भी हमें मेकअप फिक्सर लगाना और रखना बहुत ज़रूरी होता है अपने मेकअप किट में। बट यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ मेंशन करूँगी कि कुछ लोग होते हैं ना जो फेशियल मिस्ट को एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सेटिंग स्प्रे होते हैं ना वो फॉर्मुलेट होते हैं, डिज़ाइन होते हैं हमारे फेस पर मेकअप को लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करके रखने के लिए और हमारे फेस पर मेकअप को मेल्ट करके लाइक हमारे ओन स्किन बनाने के लिए। बट जो ये फेशियल मिस्ट होते हैं ना, इनका काम सिर्फ हमारे फेस को फ्रेश करना होता है, हाइड्रेट करना होता है, जो बिल्कुल डिज़ाइन नहीं होते हैं हमारे फेस पर मेकअप को लंबे टाइम तक टिका कर रखने के लिए और मेकअप को मेल्ट करने के लिए हमारे स्किन पर। तो हमें मेकअप को फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर का ही यूज़ करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शुरू करने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस तरह के और भी स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। जो मेरा पहला सेटिंग स्प्रे है ना, वो मेकअप रेवोल्यूशन का हाल उन्होंने फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे है, जो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 1050 rupees है और इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी। ये 100% क्रुएल्टी फ्री ये प्रोडक्ट है और ये लॉन्ग लास्टिंग वेडिंग के लिए ना बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, आपके मेकअप को ऑल डे के लिए एज इट इज़ बनाकर रखता है। इसमें जो है आपको सॉलिड हाइलुरोनिक मिल जाते हैं, जो हमारे स्किन पर ना डीपली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे फेस पर वाटर को होल्ड करके रखते हैं, जिससे हमारा जो फेस है ना वो लंबे टाइम तक हाइड्रेट एंड प्लम दिखता है। इस वजह से भी ये हमारे मेकअप को हमारे स्किन पर लंबे टाइम तक स्टे करके रखता है। इसका जो स्मेल है ना, मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक है इस वजह से। तो ऑयली, ड्राई कॉम्बिनेशन सारे स्किन टाइप वालों पर ना ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट जिनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है ना उनके लिए, और जिनकी जिन्हें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इरिटेट होता है, क्योंकि हाइलुरोनिक जो होते हैं ना वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बट हाइपर सेंसिटिव वालों के लिए थोड़ा सा इरिटेट ये कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग लास्टिंग वेयरिंग के लिए, ग्लो के लिए, अपने स्किन पर मेकअप को मेल्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। रेवोल्यूशन का हाइलुरोनिक फिक्सर है ये, जो भी इंग्रेडिएंट इसमें डले हुए हैं ना सारे आपको पैक के बैक में रिटर्न मिल जाएंगे। डेमो के लिए मैं आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपको डिफरेंस पता चलेगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। मैं दो साइड पर आई शेडोज अप्लाई करूँगी, एक साइड के आई शेडो को मैं ड्राई रहने दूँगी और दूसरे साइड के आई शेडो पर मैं सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आई शेडो अप्लाई करके मैं एक साइड के आई शेडो को ना पेपर से कवर कर दूंगी, जिससे ये वेड नहीं हो जब मैं सेटिंग स्प्रे स्प्रे करूँ। तो इसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के मैं इसे स्प्रे करूँगी और इसे मैं नेचुरली ड्राई होने दूंगी। देन मैं पेपर को हटा के इसे स्मज करूँगी, जिससे आप डिफरेंस देख सकेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। एक साइड का स्मज हो गया और दूसरे साइड का स्मज नहीं हुआ।
जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है वो वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस नेचुरल फिनिशिंग सेटिंग्स पे है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 599 रुपीज़ है, आपको 45 ml की इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट एंड बेस्ट सेटिंग्स पे ढूंढ रहे ना तो गो फॉर दिस। इस रेंज में आपको इससे अच्छा लॉन्ग लास्टिंग वेयरिंग के लिए सेटिंग्स पे नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि क्रुएल्टी फ्री है और 100% वेगन है, तो सेफ है सारी स्किन टाइप वालों के लिए यूज़ करना। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो और सेंसिटिव हो, सारे स्किन टाइप वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन खुद ऑयली एंड सेंसिटिव है। मेरी स्किन पर ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। लाइट वेट इसका फॉर्मूला है, स्किन पर बहुत लाइट होता है, मुझे इसका स्मेल भी अच्छा लगता है। एंड इसमें आपको एलोवेरा जेल मिल जाता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है 6 to 7 hours के लिए। एंड ये क्लेम भी करता है कि आपके मेकअप को प्रिवेंट करता है क्रैकिंग से, फेडिंग से एंड स्मजिंग से, और ये एक्चुअल में ऐसे ही वर्क करता है। ये नेचुरल फिनिशिंग सेटिंग्स पे है जो आपकी स्किन को ड्यूवी एंड ग्लोइंग फिनिशिंग देता है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है मैट फिनिशिंग का, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है और जो शाइनिंग पसंद नहीं करते अपने फेस पर ना, वो इसे ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली थी, ऑयली है, तो मैं इसे बाय किया था, तो मैं इन दोनों को यूज़ कर चुकी हूँ। अपनी नीड और वेदर के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो इस रेंज में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सेटिंग स्प्रे का। डेमो के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का मैट सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर रही हूँ। बहुत छोटू सा इसका पैकेजिंग है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। दो साइड पर मैं आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ और एक साइड के आई शेडो को ड्राई रखने के लिए उसे कवर कर दे रही हूँ पेपर से। देन मैं सेटिंग स्प्रे को थोड़ा सा शेक करूंगी एंड थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके मैं इसे स्प्रे करूंगी। देन मैं इसे नेचुरली ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद मैं इसे स्मज करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग एंड स्मज प्रूफ है। एक साइड का आई शेडो बिल्कुल स्मज हो गया और दूसरे साइड का आई शेडो ना थोड़ा सा आपको पिगमेंटेड भी लग रहा होगा और ये बिल्कुल स्मज नहीं हुआ। जो मेरा नेक्स्ट सेटिंग स्प्रे है ना, वो NYX का प्रोफेशनल मेकअप सेटिंग स्प्रे है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका MRP 875 रुपीज़ है और आपको 60 ml की इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। और ये क्लेम करता है ना, ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, ट्रांसफर प्रूफ एंड ब्रीथेबल बनाता है, जो एक्चुअल में ऐसे ही वर्क करता है। ये ना आपके फेस पर मेकअप को लंबे टाइम तक स्टे करके रखता है और आपके मेकअप को बहुत अच्छे से फिक्स करता है, सेट करता है, मेल्ट करता है आपकी स्किन पर लाइक योर ओन स्किन। 100% वेगन ये प्रोडक्ट है, तो बहुत सेफ है यूज़ करना। सारे स्किन टाइप वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो और कॉम्बिनेशन हो। बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, स्किन पर बहुत लाइट होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग्स पे है। अगर आप परचेस करना चाहें तो लॉन्ग वेयरिंग के लिए बहुत अच्छा सेटिंग्स पे है, क्योंकि मैंने इसका यूज़ किया है, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मस्ट हैव सेटिंग्स पे है ये। एंड ये जो मेरे पास है ना, ये मैट फिनिशिंग का सेटिंग्स पे है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है ड्यूवी फिनिशिंग का सेटिंग्स पे, जिसका मैं पिक्चर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। जो मेरा नेक्स्ट परचेस होने वाला है आने वाले मेकअप वीडियो में, मैं उसका यूज़ भी करूँगी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, मैट ऑप्शन मिल जाता है शाइन कंट्रोल फिनिशिंग के लिए और आपको ड्यूवी ऑप्शन मिलता है ग्लोइंग फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट का मैट फिनिशिंग सेटिंग स्प्रे है और इसके बैक में मेंशन है कि ये वाटर बेस्ड सेटिंग स्प्रे है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ना विथ ग्लो के साथ ये परफेक्ट सेटिंग स्प्रे है। बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है इसका पैकेजिंग। दोनों साइड पर मैं आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। एक साइड के आई शेडो को ड्राई रखने के लिए मैं इसे पेपर से कवर कर दूंगी और दूसरे साइड के आई शेडो पर मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। यूज़ करने के पहले उसे मैं शेक कर लूँगी और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके मैं इसे स्प्रे कर लूँगी। इसे नेचुरली ड्राई होने दूंगी और ड्राई होने के बाद मैं इसे स्मज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं एक साइड का आई शेडो स्मज हो गया, फेड हो गया और दूसरे साइड का आई शेडो एज इट इज़ रहा और स्टील ये पिगमेंटेड ही रहा। इसे मैं थोड़ा सा और स्मज कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सेटिंग स्प्रे है, इसलिए आप डिफरेंस देख सकें। जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है ना, वो पैक का इंस्टेंट फिक्सेशन प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्सर है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। इसका जो MRP है वो 795 रुपीज़ है और आपको 100 ml की इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। ये भी क्रुएल्टी फ्री सेटिंग्स पे है, आप इसको प्रेप एंड प्राइम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस सेटिंग स्प्रे को आप मेकअप करने के पहले भी अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं और मेकअप करने के बाद भी अपने फेस के मेकअप को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही लाइट वेट है, आपकी स्किन पर ना ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को मैटिफाई
सफाई कर देता है, जिससे आपकी स्किन पर मेकअप लंबे टाइम तक एज इट इज बना रहता है। साथ ही साथ ये आपकी फेस को ना सॉफ्ट एंड हाइड्रेट भी बनाता है, और ये क्लेम भी करता है कि ये ऑल डे लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे है, क्योंकि अभी भी मैंने इसे ही वेयर किया है मेकअप करने के बाद, इस सेटिंग स्प्रे को यूज़ किया था, तो ये एक्चुअल में बहुत अच्छे से वर्क करता है। और ये सारे स्किन टाइप वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो और सेंसिटिव हो, क्योंकि ये आपकी स्किन को मैटिफाई करने के साथ साथ ना नेचुरल ग्लो भी देता है। मुझे ये बिल्कुल सिमिलर लगता है मैक के प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे से, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा ये इम्प्रेसिव है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये भी वन ऑफ द मस्ट हैव सेटिंग स्प्रे है। पैक का फिक्सेशन प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे है ये, जो भी इंग्रेडिएंट्स में डले हुए हैं ना, सारे इन डिटेल में आपको बैक में डिटेल मिल जाएंगे। डेमो के लिए मैं आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ, एक साइड पे मैं ड्राई रखूँगी आई शेडो को, दूसरे साइड पे मैं सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूँगी। तो पेपर से एक साइड को कवर कर दूँगी और दूसरे साइड पर मैं सेटिंग स्प्रे का यूज़ करूँगी। ऑलवेज सेटिंग स्प्रे को यूज़ करने के पहले ना उसे अच्छे से शेक कर लीजिए, और डिस्टेंस मेंटेन करके ही उसे स्प्रे करना चाहिए आपको। नेचुरली ड्राई हो जाने के बाद मैं एक साइड के आई शेडो को स्मज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये स्मज हो गया, और दूसरे साइड के आई शेडो को मैं स्मज कर रही हूँ, ये अपने जगह पर ही टिका हुआ है, बिल्कुल भी स्मज नहीं हुआ, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो मेरा लास्ट ऑप्शन है सेटिंग स्प्रे का, वो मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्सर है, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है, और इसका जो अभी करंट MRP है ना वो 1900 रुपीज़ है। इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। इसमें ना आपको बहुत सारे शेड के ऑप्शन मिलेंगे, बट मैंने रोज़ शेड को चूज़ किया है, जो सारे स्किन टाइप पर चले जाते हैं, बहुत अच्छे से वर्क भी करते हैं। इसे ना आप मेकअप करने के पहले अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, और मेकअप करने के बाद अपने फाउंडेशन के बेस को फिक्स करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ना इंस्टेंटली आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है, जिससे आपका स्किन ना स्मूथ एंड रिफ्रेश दिखता है। लॉन्ग लास्टिंग वेयरेबल ये फिक्सर है, आपके स्किन पर ना ये लंबे टाइम तक टिका रहता है, और आपके फेस को ग्लोइंग एंड रिफ्रेश दिखाता है लंबे टाइम तक। बहुत ही लाइट है ये स्किन पर, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सेटिंग स्प्रे स्प्रे किया अपने चेहरे पर, आपको लगेगा कि आपने रोज़ वाटर स्प्रे किया है। और इसका जो स्मेल है वो बहुत माइल्ड है, लाइक रिफ्रेश रोज़ वाटर की तरह। सारे स्किन टाइप वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो और सेंसिटिव हो। किसी किसी को ना स्ट्रॉन्ग स्मेल से प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होते हैं, उनके लिए बेस्ट सेटिंग स्प्रे है, क्योंकि इसका कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। रोज़ वाटर की तरह इसका स्मेल है, वो भी मार्केट वाली स्ट्रॉन्ग रोज़ वाटर की तरह नहीं, बहुत ही माइल्ड ये रोज़ वाटर की तरह इसका स्मेल है। मुझे ये बहुत पर्सनली पसंद है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इतना फिनिश भी हो चुका है। तो ये अगर आप अच्छे सेटिंग स्प्रे पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैक का प्रेप एंड प्राइम सेटिंग स्प्रे है, जो मेरा शेड है वो रोज़ है, और इसके बैक में आपको सारे इंग्रेडिएंट इन डिटेल में रिटर्न मिल जाएंगे। इसका जो स्प्रे है ना वो इस तरह से इन एंड आउट वाला है। डेमो के लिए मैं आई शेडो का ही यूज़ कर रही हूँ, दो साइड पर आई शेडो अप्लाई करूँगी, एक साइड के आई शेडो को मैं ड्राई रखूँगी, इसलिए मैं पेपर से इसे कवर कर दे रही हूँ, और दूसरे साइड के आई शेडो पर मैं इसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके स्प्रे करूँगी, और इसे मैं नेचुरली ड्राई होने दूँगी। मैं इसे स्मज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं एक साइड का आई शेडो फेड हो गया, स्मज हो गया, और दूसरे साइड का आई शेडो ना थोड़ा पिगमेंटेड भी लग रहा है और एज इट इज़ बना है। तो ये थे बेस्ट 5 सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर इन द मार्केट। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अपने लिए आप परफेक्ट सेटिंग स्प्रे चूज़ कर सकेंगे। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट, ये बहुत इनकरेज करता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।